आज मैं आप लोगों के लिए चिकन की एक बहुत ही मजेदार रेस्टोरेंट स्पेशल चिकन जिंजर की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चिकन जिंजर बनाने के लिए हाफ कप के करीब ऑयल शामिल कर दें। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हाफ के जी चिकन शामिल कर दें। मैंने बोन और विदाउट बोन दोनों पीसेस का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो आप बोनलेस का भी बना सकते हैं। इसे हमने हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक चिकन का कलर स्लाइटली ब्राउन नहीं हो जाता। हाई फ्लेम पे इसलिए फ्राई करना है चिकन ज़्यादा पानी रिलीज ना करे और इसके जो जूसेस हैं वो इसी के अंदर ही लॉक हो जाए। चिकन का सारा पानी भी ड्राई हो गया है और कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें और अब चिकन को जिंजर गार्लिक के साथ 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लें। चिकन को जिंजर गार्लिक के साथ फ्राई करने के बाद चिकन के पीसेस को बाहर निकाल लें। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इससे चिकन में बहुत ही डिफरेंट और मज़े का टेस्ट आता है। मीडियम साइज़ की ऑमलेट कट में प्याज है वो शामिल कर दें। प्याज़ों को फ्राई कर लें। प्याज़ों को हल्का सा फ्राई करने के बाद एक लार्ज साइज का टमाटर है जिसकी मैंने स्किन रिमूव कर ली है और उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है, और एक सब्ज मिर्च वो शामिल कर दें और साथ ही 1 टीस्पून साल्ट ऐड कर दें। साल्ट जो है टमाटर को सॉफ्ट होने में मदद करेगा। कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, टमाटर और प्याज दोनों सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो गए हैं और ऑयल भी सारा सेपरेट हो गया। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कुछ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। ये सब ऐड करके मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मिर्चों का इस्तेमाल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना स्पाइस आपको पसंद है आप उस हिसाब से सुरख मिर्च ऐड कर लें। मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी सारा सेपरेट हो गया। अब इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को मसालों के साथ 3 से 4 मिनट भून लेंगे, सारे मसालों का टेस्ट चिकन के अंदर तक चला जाए। हाई फ्लेम पे चिकन के मसालों के साथ भुनाई करनी है। चिकन को मसालों के साथ 4 से 5 मिनट भूनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। कवर करके 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे, चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। मैंने चिकन विद बोन के साथ भी यूज़ किया है, इसलिए जो बोन का चिकन है उसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 4 से 5 मिनट कवर करके पकाएंगे, चिकन अच्छे से पक जाए। पानी भी सारा ड्राई हो गया है और चिकन भी टेंडर हो गया। अब इसमें 3 से 4 टेबल स्पून दही डालेंगे। दही को आपने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। मिक्स कर लेंगे, दही का पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी जूलियन कट में अदरक शामिल कर दें, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। तीनों चीज़ें शामिल करके अच्छे से मिला लेंगे। अदरक, सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च का टेस्ट इन्फ्यूज़ हो जाए चिकन के अंदर तक। कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट दम देंगे। 3 से 4 मिनट दम पे रखने के बाद ऑयल भी सारा सेपरेट हो गया है, जिंजर का टेस्ट भी चिकन के अंदर तक इन्फ्यूज़ हो गया है। अब हम इसे सर्व करते हैं। लाइट मसालों में और हल्की सी ग्रेवी के साथ चिकन जिंजर बनता है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको चिकन जिंजर की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।